सांसद चंदेल ने दून विधानसभा क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा घोषित करने की मांग और उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिन में ही नुकसान का आंकलन कर आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के फैसले का किया स्वागत। दून विधानसभा क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा से भारी त्रासदी झेलनी पड़ी, जहां उद्योगपति क्षेत्र बद्दी को जोड़ने वाले लगभग सारे पुल टूट चुके हैं, जिस कारण इसका असर यहां लोगों के साथ साथ उद्योगपतियों पर भी पड़ा। सबसे ज्यादा असर पहाड़ी क्षेत्र की पहाड़ी पंचायत साई बफसानी सोढ़ी कंडोल पट्टा नालिया पट्टा बाढ़िया दाड़वा गोयला नाग नालका धक्रियाना के कई गांव जमींदोज हो गए और किसानों की कृषि लायक जमीन नष्ट हो गई और यहां के लोगों की आजीविका कमाने का कृषि ही एकमात्र साधन था। इनकी जमीन नष्ट होने से इनका कोई आय का साधन नहीं रहा। लोग अपने परिवार के साथ अपने मवेशियों सहित तंबुओं व धार्मिक आश्रमों में पनाह लिए बैठे हैं और इन लोगों के घर बार सब कुछ तबाह हो गए। समाजसेवी हंसराज चंदेल ने कहा कि मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि दून विधानसभा क्षेत्र के सबसे आपदा प्रभावित पंचायतों के गांव को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। इनको पुनर्वास के लिए जमीन व आजीविका कमाने के लिए कृषि योग्य भूमि दी जाए, ताकि वह अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो 3 दिन में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों को घोषित करने के लिए फैसला लिया है, मैं इनका स्वागत करता हूं। इसमें हमारा दून विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। जैसे कि दून विधानसभा क्षेत्र में VVNDA एरिए में सभी अधिकांश जो पुल है वो नष्ट हो चुके हैं, तथा उसके बाद दून विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ी पंचायत जैसे साई पंचायत वासनी पंचायत वासोड़ी पंचायत या पट्टा लाड़ी पंचायत हो पट्टा वाणिया हो कंढोल पंचायत हो या फिर आगे दाड़ुआ पंचायत है, अन्य सभी पंचायतों के जो प्रभावित लोग हैं इनमें सर्वे करा के डी साहब के माध्यम से इनको भी आपदा प्रभावित घोषित किया जाए, ताकि इनको उचित मुआवजा मिल सके। क्योंकि ये लोग बड़े गरीब हैं, इनको जो है इनकी जमीन भी नष्ट हो चुकी है, आशियाने भी नष्ट हो चुके हैं। ये 95% जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के किसान हैं, एक किसानी पर निर्भर है। एन स्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।